पीएम मित्र, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत पुराना, कई आप लोगों में से मित्रों ने सुना होगा, एक मानना था कि भारत ने 5F पूरे को कैप्चर करना चाहिए, यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। तो पूरी जो वैल्यू चेन है उसको भारत में मजबूत बनाना चाहिए और भारत पूरी वैल्यू चेन की सेवा विश्व को दे। परंतु आज के दिन ये वैल्यू चेन देश के अलग अलग हिस्सों में है। तो शायद कापूस कॉटन बनता है गुजरात महाराष्ट्र में, वहाँ से तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु में प्रोसेस होकर बेंगलुरु या नोएडा आता है, यहाँ बन के फिर जाता है पोर्ट के ऊपर मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप, अलग अलग पोर्ट्स पे जाता है। तो इतनी बार सामान को मूव करना, लॉजिस्टिक्स में हम अनवायबल हो जाते थे, और एक बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल क्षेत्र के कोई पार्क्स ना होने के कारण एक ही जगह पे पूरी वैल्यू चेन कैप्चर करना अभी तक संभव नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने इस पे चिंता करते हुए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। जैसा मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी ने बताया, 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसको, इसके बारे में राज्यों से बात हुई है, अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है, और कंपटीशन होगा पर पारदर्शी तरीके से चैलेंज रूट में, कि कौन सा राज्य अधिक सुविधाएं देता है, सस्ती ज़मीन देता है, सस्ती बिजली और पानी उपलब्ध कराता है, किसके यहाँ पे जो लेबर की सिचुएशन है वो काफ़ी मात्रा में संतुलन में है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते पानी और बिजली की उपलब्धता भी पर्याप्त हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहाँ डिमांड हो, जहाँ पे स्किलिंग हो सके, स्किल्ड मैन पावर मिले, ऐसे 7 क्षेत्रों में कुछ ब्राउनफील्ड भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी कुछ काम चल रहा हो जिसमें, और कुछ पूरी तरीके से नए पार्क ग्रीनफील्ड, दोनों को मंजूरी देके देश भर में ऐसे 7 पार्क बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काम में आएंगे, और पूरी जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, चाहे वो कापूस बनाना, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और भारत के बाज़ार या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जहाँ भी उनकी डिमांड है उसको भेजना, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये एक इंटीग्रेटेड पार्क का कॉन्सेप्ट, इसके 2 अंश होंगे, एक है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30%, अनुमानित प्रोजेक्ट कॉस्ट 1700 करोड़ रुपए है एक एक पार्क का, 30% यानी 500 करोड़ रुपए नए पार्क में, और जो ब्राउनफील्ड पार्क है जिसमें कुछ मात्रा में काम हो चुका है उसमें 200 करोड़ रुपए तक एक एक पार्क में एज डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट मूवर्स हैं, एंकर प्लांट्स लगाएंगे, शुरुआत में जो लोग वहाँ पे आके बड़ा निवेश करेंगे उनके लिए एक कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट, जो PLI के साथ मिक्सअप नहीं होगा, PLI अलग चल रहा है, ये अलग स्कीम होगी, जो लोग PLI में कवर्ड नहीं है और इस टेक्सटाइल पार्क में आते हैं उनको अगर कुछ ज़्यादा खर्चा होता है नया प्लांट लगाने में, लॉजिस्टिक्स में कोई भी खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, जो बड़े पैमाने पे मिनिमम 100 लोगों को वहाँ नौकरी दे, ऐसे 300 करोड़
हर पार्क में, यानी 2100 करोड़ इस प्रकार से भी यूनिट्स को दिया जाएगा जो एंकर टेनेंट्स के रूप में वहाँ आएंगे, और अधिकांश उनको 10 करोड़ एक वर्ष में और 3 वर्ष तक मिलेगा। तो एक यूनिट को 30 करोड़ रुपए तक इस स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है, जो पीएम मित्र पार्क में फर्स्ट मूवर्स की तरह या एंकर प्लांट की तरह वहाँ पे आएंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये जितने प्लांट लग रहे हैं इसमें पूरा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी मास्टर प्लानिंग हो, फैक्ट्रियों के लिए प्लॉटिंग हो, वहाँ कॉमन सर्विसेज सेंटर हो, डिज़ाइन सेंटर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो, ट्रेनिंग का एक अंश इसमें रखा गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो ESI वगैरह की, हाउसिंग जो कामगार वहाँ काम करें उनके लिए वहाँ हाउसिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराने की कल्पना है, ICD या लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग वगैरह के लिए भी सुविधाएं बनाई जाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, कनेक्टिविटी नज़दीक के शहर या क्षेत्र से, थोड़ा बहुत कमर्शियल एरिया भी बने, होटल दुकानें शॉपिंग वगैरह। तो एक प्रकार से एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग रीजन बने वो, और उसके इर्द गिर्द पर उसका इकोसिस्टम भी टेक्सटाइल का बड़ा खड़ा हो, ये कल्पना से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन जो एक कल्पना गुजरात के दिनों से उन्होंने रखी थी और फिर देश के समक्ष भी रखी, उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ अति आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत में आए, विदेश से भी बड़े मात्रा में निवेश आए, भारत के भी हमारे निवेशक इसका लाभ लें, और जहाँ तक हो सके इस पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी प्रोत्साहन देंगे कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इस पार्क को लगाने के लिए तैयार हो तो उसकी भी कंपटीशन या बिडिंग करके प्रमोट करेंगे कि मिल के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सबको मार्गदर्शन दिया था कि हम लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड उसकी तरफ जाएं, तो ये एक बहुत अहम कदम टेक्सटाइल विभाग के लिए रहेगा टू हेल्प अस गो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।